हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस, आज मैं मैथमेटिक्स कन्फ्यूजन का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूं। और आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ कि इट इज़ द मैथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सम एट अ गिवन रेट एंड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ ऑलवेज द सेम। ये थी छोटी सी डेफिनेशन सिंपल इंटरेस्ट की। इसका क्या मीनिंग हुआ, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चलता है कि अगर सपोज करो मैंने 1000 रुपीज़ बैंक में जमा करवा दिए, 5 साल के लिए मैंने डिपॉजिट करवा दिए, और हमें कितने रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे, मतलब मान लो कि बैंक हमें उसका रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 10% पर एनम दे रहा है, तो एक साल के बाद 1000 रुपीज़ तो जो मेरा है एक्चुअल जो प्रिंसिपल है और उसके ऊपर 10% के हिसाब से 100 रुपया बनता है। ये मैं आगे डिस्कस करूँगा कैसे बनता है, अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि जो एक साल के बाद 100 रुपया बनता है, यानी कि 1100 रुपया हो गया। फिर दूसरे साल भी हमें 100 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, फिर तीसरे साल भी 100 रुपया मिलता है, चौथे साल भी 100 रुपया मिलता है, पाँचवें साल भी 100 रुपया मिलता है, यानी कि 5 साल के बाद मुझे एक्चुअल 1000 रुपया वो और 500 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलके वो 1500 रुपीज़ हो के। इससे हमें ये पता चला कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट हमें जो 1000 रुपया जो हमने इनिशियल जो मनी जो है वो जमा करवाई उसी पर मिल रहा है, यानी जो इनिशियल यानी जो प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज़ पहले साल भी हमें उसी पे मिले, दूसरे साल भी हमें उसी 1000 रुपये के ऊपर मिले और तीसरे साल भी हमें उसी 1000 रुपये के ऊपर मिले, और इसी तरह से 5 साल तक हमें इंटरेस्ट मिलता गया, लेकिन इंटरेस्ट हमें उसी 1000 के ऊपर ही मिलता गया, उससे ज़्यादा भी नहीं मिला और उससे कम भी नहीं मिला, और 5 साल के बाद हमारे पास 500 रुपया इंटरेस्ट हो गया जो हमें हर साल 100 रुपया मिलता था। ये था सिंपल इंटरेस्ट। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ कि इट इज़ द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल सम ऑफ लोन और डिपॉजिट, और इन अदर वर्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वही सेम मनी अगर हम 1000 रुपीज़ जो है 1000 रुपीज़ अगर हम बैंक में जमा करवाते हैं 10% इंटरेस्ट पर, तो फर्स्ट ईयर पहले साल हमें जो इसका इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ मिलेगा 10% पर नेक्स्ट ईयर हमें 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा, और यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1000 रुपीज़ एक्चुअल है और 100 रुपया हमें इंटरेस्ट मिला, हो गया 1100। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर हमें अब इंटरेस्ट मिलेगा 1100 पर, यानी 1100 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा जो बनता है 110 रुपीज़ बनता, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साल के बाद 1210। कम सिंपल इंटरेस्ट में बना था 1200 और कंपाउंड इंटरेस्ट में बन गया 1210, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब यही हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमें फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला वो हमने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास जो एक्चुअल जो इनिशियल जो हमारे पास मनी जो हमने डिपॉजिट करवाया था वो था 1000, अब 1000 के ऊपर हम 10% के हिसाब से 1 साल के बाद हमें मिला 100 रुपया, अब वो हो गया 1100, यानी 100 वो और एक्चुअल 1000 हो गया 1100। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो हमें नेक्स्ट ईयर भी उसी 1000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिलता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में उस 1000 के ऊपर नहीं बल्कि 1100 पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 1100 पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 110 रुपया बनेगा, और 110 वो है और 1100 पहला हो गया 1210। अब तीसरे साल मतलब थर्ड ईयर जो है हमारे पास अब 1210 के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा। इस ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट से जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ओके गाइस,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको समझ आ गई। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक साल का सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम फॉर वन ईयर। एक साल का जो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही कंपाउंड होगा, यानी कि अगर 1000 रुपीज़ हम जमा करवाते हैं 10% इंटरेस्ट पर, तो एक साल के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट भी वो 100 रुपया मिलेगा और कंपाउंड भी हमें 100 ही मिलेगा। बट चेंज कब होता है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो है जो हमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास एक्चुअल पैसे हैं, चाहे हम 100 साल के बाद भी हम निकालेंगे तो तब भी हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट में वही जो हमने एक्चुअल पैसे जमा करवाए होते हैं उसी पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, चाहे हम 100 साल के बाद निकालें। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, और हमें जो अभी जो बैंक वाले जो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं ये कंपाउंड दे रहे हैं, ये हमें सिंपल नहीं दे रहे, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो है इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और अब हम करेंगे कुछ सिंपल इंटरेस्ट की एग्जाम्पल्स और फिर उसके बाद कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जाम्पल्स करेंगे। एक एग्जाम्पल है सिंपल इंटरेस्ट की कि इफ पी इज इक्वल टू आर एस 1000, आर इज इक्वल टू 10%, टी इज इक्वल टू 1 ईयर, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपीज़ है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और हमें निकालना एक साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 100। तो जैसे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आप पढ़ते हो कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो मतलब वही हुआ कि मैंने आर के साथ परसेंट लिख दिया, परसेंट का मतलब भी 1/100 होता है, तो इसलिए पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। अब पी कितना हमारे पास? पी है 1000 इंटू आर कितना? आर है 10 और इंटू टाइम 1/r% की वजह से नीचे हमने 100 लगा दिया। अब देखो तो नीचे 100 है, इसके 2 जीरो, ऊपर जो 1000 के 2 जीरो वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ऊपर बचा 10 और साथ में आगे वाला 10, उसके बाद 1 और डिनोमिनेटर में 0, तो दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 बचा। अब ऊपर 10 और 10 को जब मल्टीप्लाई किया तो 100 को फिर 1 के साथ किया तो 100 ही आया और नीचे 1। और अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो हमेशा जो आंसर है वो न्यूमिनेटर में आता है, न्यूमिनेटर में क्या 100, तो इसलिए हमारे पास आएगा 100। अब अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 1000 और प्लस इंटरेस्ट कितना निकला? 100। और ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1100। ये हमारे पास था एक साल का। एक और एग्जांपल है सिंपल इंटरेस्ट की, सेकंड एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें क्या है कि इसमें वही सेम है, जो प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे टाइमिंग चेंज है, यहाँ पे 2 साल का निकालना है। तो 2 साल का वैसे सेम है जैसे हमने पहले निकाला, और इसमें 2 साल का आ जाएगा 1200, यानी 100 रुपये और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो उसी जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो हम पैसे जमा करवाते हैं, जो इनिशियल जो हमारे पास मनी होता है उसी पे इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो उस पे 100 रुपये और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। इसी तरह से आप जितने मर्जी साल का निकालो 100 रुपया बढ़ता जाएगा इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और एन एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि एक साल का निकालना है तो 1 ईयर, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है पी इंटू 1/r/100 की पावर जो होती है एन, तो यहाँ पे पी की जगह आ गया मतलब प्रिंसिपल 1000 इंटू 1/r 10 है, और परसेंट की वजह से नीचे 100 आ गया, और उसकी पावर 1 का मतलब होता है एक साल का है तो 1। अब इज इक्वल टू जो 1000 है वो वैसे रहेगा, और आगे जो नीचे डिनोमिनेटर में 100 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आगे वाला 10 ऐड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में 100 सेम रहेगा और ऊपर पावर 1। ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ
मेथड होते हैं जो बडमास के कुछ रूल्स होते हैं वो लगा के हम इसको करते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं कर सकते कि पहले इसको ऐड कर दो या पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो या पहले डिवाइड कर दो, क्योंकि बडमास जो है वो अगर आपको पता नहीं तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि उसके रूल के मुताबिक ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद नीचे 1000 रुपीज़ तो आ गया और आगे 100 इंटू 1 किया तो 100 आ गया, प्लस आगे वाला 10 अपॉन 100 और पावर 1, फिर ये 1000 वैसे आ गया और आगे जो है 100 के में 10 प्लस किया और नीचे हमने 100 का 100 सेम लिखा पावर 1। अब ये जो है हमारे पास जब 100 में 10 को प्लस किया तो 110 आ गया और यहाँ पे ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में 0 जो हैं ये 20 और अब जो पीछे हमारे पास 1000 के 20 वो कैंसिल हो गए, हमारे पास 1000 की जगह 10 बचा और आगे हमें बचा 110 और अपॉन में 20 चले गए और सिर्फ 1 बचा। ऊपर को हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर में 10 इंटू 110 को तो हमारे पास ये आ गया 1100। अब इंटरेस्ट कितना हमें मिला, 1100 तो टोटल आ गया, 1100 टोटल आ गया, लेकिन अब इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट हमें मिला ए माइनस पी यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हमारा अमाउंट कितना है 1100 और उसके बाद जो प्रिंसिपल था वो था 1000 और 1100 में से 1000 निकाला हमने तो ये आ गया 100। ये 100 हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला एक साल का। अब एक और एग्जांपल है कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो सेम जैसे हमने 1 साल का किया सेम 2 साल का भी वैसे ही है, सिर्फ जो एन है वहाँ पे 1 की जगह आपने 2 लगाना है तो बाकी ये पूरा वैसे का वैसा है तो ये आपका निकल जाएगा 1210 यानी कि 1210 यानी कि 1210 आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट जो है और उसमें से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है उसके लिए आपने क्या करना है कि वही इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका निकला 1210 उसमें से प्रिंसिपल जो 1000 है वो सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास आ जाएगा 210 यानी कि 210 हमारे पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया और सिंपल इंटरेस्ट जो है हमने 2 साल का निकाला था तो 200 आया था यानी कि हर साल 100 रुपया मिलता था लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें दूसरे साल का 210 यानी कि 110 जो है हमें फर्स्ट ईयर का तो सेम है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है बट सेकंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें 110 रुपया मिला यानी कि 10 रुपये ज़्यादा मिले और यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट के। गाइस ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से देख लें, ये मैंने क्वेश्चन के अंदर इसको बड़े अच्छी तरह से डिस्कस किया है और उसके बाद ये दूसरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है ये भी मैंने क्वेश्चंस के अंदर एग्जांपल्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेनेशन दिया है और ये जो परसेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/100, ये आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। तो ओके गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और गाइस आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे अच्छा कौन सा इंटरेस्ट लगा, यानी अगर आप बैंक्स में अगर पैसे डिपॉजिट करवाना चाहें तो आप कौन सा इंटरेस्ट लेना पसंद करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मैंने डिफरेंस आपको बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो इसलिए आपकी राय जो है ना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ।